नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। नजर डालेंगे देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर। पीएम मोदी ने वाइल्ड लाइफ प्रेमियों को दी बधाई। बाघों की 70% से अधिक आबादी का सुरक्षित आवास सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता दोहराई। पीएम मोदी ने की अपील, कोरोना वैक्सीन के प्रति झिझक दूर करने में मदद करे धार्मिक नेता। असम पुलिस को सार्वजनिक रूप से जान से मारने की धमकी देकर फंसे मिजोरम सांसद, सीआईडी करेगी पूछताछ। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा, क्वाड सैन्य स्तर पर नहीं, भारत को अमेरिकी वैक्सीन मिलना कानूनी प्रक्रिया पर है निर्भर। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण चंद्रयान 3 की प्रगति हुई प्रभावित। चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण 2022 की तीसरी तिमाही में होने की संभावना। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण में 50 लाख घरों में बनाए जाएंगे शौचालय। पूर्वी मोर्चे पर चीन को मुंहतोड़ जवाब देगा भारत, हासीमारा एयरबेस पर तैनात किए राफेल विमान। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, कानून से बचने के लिए जनप्रतिनिधि नहीं दे सकते हैं विशेष अधिकार की दलील। छत्तीसगढ़ में मतांतरण की गूंज, विधानसभा में सुनाई दी राज्य की संस्कृति, आई खतरे में विपक्ष का सदन में काम रोको प्रस्ताव। अमरिंदर सिंह ने पीएम मोदी को लिखा खत, करतारपुर कॉरिडोर फिर से खोलने का किया आग्रह। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सांसदों संग जेपी नड्डा ने की बैठक, सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद। केंद्र ने कोरोना महामारी संबंधी दिशा निर्देशों को 31 अगस्त तक बढ़ाया। भीड़भाड़ वाले सभी स्थानों पर कोरोना से बचाव के नियमों का अनुपालन के दिए निर्देश। कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड समेत पूरे उत्तर भारत में बारिश का अलर्ट, 30 जुलाई तक होगी भारी बारिश। हिमाचल में कोरोना ब्लैक फंगस के बाद स्क्रब टाइफस ने दी दस्तक, आईजीएमसी में 4 मामले आए सामने। मध्य प्रदेश के मंदसौर में जहरीली शराब कांड में अब तक 7 लोगों की मौत, मामले की जांच के लिए एसआईटी की टीम गठित। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी के सांसदों को सौंपी विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी, नए केंद्रीय मंत्री निकालेंगे जन आशीर्वाद यात्रा। एम्बुलेंस कर्मी हड़ताल में अब तक 581 एम्बुलेंस कर्मी बर्खास्त, सभी डीएम को एम्बुलेंस की चाबी जमा करने के दिए गए हैं निर्देश। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए नई गाइडलाइन हुई जारी, एक बूथ पर रहेंगे सिर्फ 1200 वोटर। भाजपा नेता व पूर्व सीएम उमा भारती ने राकेश टिकैत को दी सलाह, किसान खत्म ना करे आंदोलन की गरिमा। अलीगढ़ में पीएम स्वनिधि मेले लोन मेले का हुआ है आयोजन, विक्रेताओं को लाभ दिलाने की गई कोशिश।
आगरा में नहर के पास युवक का शव बरामद, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव, मामले की जांच में जुटी पुलिस। औरैया में धान की रोपाई करने गए अधेड़ की मौत, पुलिस ने दिए जांच के आदेश। गाजीपुर में अज्ञात बदमाशों ने युवक को मारी गोली, युवक की मौत पर हुआ हंगामा, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। गोरखपुर में युवक पर हुए हमले का पुलिस ने किया खुलासा, प्रेम प्रसंग के चलते युवक पर हुआ था हमला। कानपुर में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, वाहन चोर गैंग का हुआ पर्दाफाश, भारी संख्या में कई वाहन भी किए गए बरामद। मैनपुरी में ऑपरेशन शिकंजा लगातार जारी, वांछित अभियुक्त को पुलिस ने पकड़ा। फैक्ट्री में लगी भीषण आग, घटना से इलाके में रहा दहशत का माहौल, कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई गई आग। रायबरेली में जंगल से बरामद हुआ युवती का शव, घटनास्थल पर पहुंची पुलिस की टीम। आगरा में पानी को लेकर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, पेयजल समस्या ने लिया विकराल रूप। आजमगढ़ में चालकों ने ली सड़क सुरक्षा की शपथ, नियमों के बारे में लोगों को किया जा रहा है जागरूक। फतेहपुर में बाईपास पुल बनी लोगों के लिए बड़ी समस्या, पुल के पास भरा बारिश का पानी, राहगीरों को आने जाने में हो रही है काफी समस्या। फतेहपुर में जर्जर तार, ग्रामीणों के लिए बनी मुसीबत, ग्रामीणों में भारी आक्रोश। रायबरेली में सैकड़ों बीघा फसल हुई जलमग्न, भूखमरी की कगार पर पहुंचे किसान। सोनभद्र में तेज रफ्तार गाड़ी ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार की मौके पर हुई मौत। अलीगढ़ में बुजुर्ग महिला पीएम आवास योजना से हुई वंचित, बारिश में तिरपाल के नीचे कर रही है गुजारा। अमेठी में अवार्ड रिवॉर्ड कार्यक्रम का हुआ आयोजन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को किया गया है सम्मान। बुलंदशहर में सपा नेता ने लिखी राष्ट्रपति को खून से चिट्ठी, आजम खान की रिहाई के लिए राष्ट्रपति से लगाई गुहार। गोरखपुर में निःशुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर का हुआ आयोजन, आत्मनिर्भर भारत की ओर रोटरी क्लब का एक और प्रयास। गोरखपुर में भाजपा नेता के घर मौत का तांडव, फावड़े से बीजेपी नेता के परिवार पर हुआ वार। हमीरपुर में संदिग्ध अवस्था में युवक का मिला शव, शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। कानपुर देहात में मूसलाधार बारिश की वजह से कच्चा मकान हुआ जमींदोज, मलबे में दबकर दंपति की हुई दर्दनाक मौत।
लखनऊ में पिनहोल सर्जरी से हुआ ब्रेन इंज्यूरियम का इलाज, इंटरवेंशन रेडियोलॉजी एक्सपर्ट द्वारा की गई है सर्जरी। बुलंदशहर में चोरों के हौसले बुलंद, कार चोरी कर फरार हुए चोर, चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। बुलंदशहर में पारिवारिक कलह के चलते नहर में कूदी महिला, पुलिस ने गोताखोरों की मदद से निकाला शव, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बुलंदशहर में रेप कांड में पुलिस को मिली कामयाबी, चारों आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बुलंदशहर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अवैध हथियारों के साथ चार लोग हुए गिरफ्तार। फतेहपुर में छिवली गांव में लगातार हो रही है बारिश, भारी बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। हमीरपुर में एम्बुलेंस चालकों ने किया चक्का जाम, चालकों के प्रदर्शन को प्रशासन ने रोका, एम्बुलेंस चालकों से छीनी गई चाबियां। कानपुर देहात में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक, बैठक में एआरटीओ प्रवर्तन हुए शामिल। लखीमपुर खीरी में बिना रजिस्ट्रेशन चल रहा है अस्पताल, अस्पताल में जच्चा बच्चा की मौत, मौत पर परिजनों का हंगामा। लखीमपुर खीरी में महिला के साथ उत्पीड़न, सपा नेता के भाई पर लगा आरोप, एसपी ने लिया मामले का संज्ञान। शाहजहांपुर में हथनीकुंड बैराज का बढ़ा जलस्तर, 94,000 क्यूसेक से अधिक छोड़ा गया है पानी। जौनपुर में पुरानी रंजिश में युवक पर चली गोली, गंभीर हालत में युवक को भेजा गया अस्पताल, कार्रवाई में जुटी पुलिस। प्रतापगढ़ में बाल योजना पर लोगों को मिली जानकारी, जरूरतमंद परिवार को मिलेगी हर तरह की मदद। रायबरेली में ओलंपिक खेलों को लेकर निकाली गई रैली, लखनऊ में संपन्न होगी जागरूकता रैली। लालकुआ पहुंचे युवा के प्रदेश अध्यक्ष, गोविंद मुस्लिम समाज पर की विवादित टिप्पणी, जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर भी दिया बयान। चमोली में भारी बारिश से आवागमन हुआ ठप, भूस्खलन की वजह से आम लोगों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना, राहत कार्य में जुटी एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम। चमोली में युवा कल्याण विभाग का सम्मान समारोह, ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने के लिए हुआ सम्मान, इस मौके पर अन्य अधिकारी भी रहे मौजूद। हरिद्वार में ओबीसी समाज का धरना प्रदर्शन, आरक्षण की मांग पर दर्ज कराया विरोध, सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा गया है ज्ञापन। कलियर में डीएमसी रविशंकर ने दरगाह का किया निरीक्षण, पदाधिकारियों ने डीएम को दिक्कतों से कराया रूबरू, डीएम ने लोगों को निवारण का दिया आश्वासन। बक्सर में फर्जी कंपनी ने लूटे करोड़ों रुपए, पैसे लेकर फरार हुए शातिर, कंपनी के एमडी पर केस दर्ज। रुड़की में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद, दूसरे की जमीन पर कब्जे का प्रयास, पीड़ित की तहरीर पर प्रशासन ने की कार्रवाई।
पौड़ी में सीडीओ आशीष भटगाई की अधिकारियों संग बैठक, इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने पर चर्चा, ग्राम पंचायत को कनेक्टिविटी के क्षेत्र में हाईटेक बनाने के निर्देश। नदी में गिरी कार, बैक करते समय हुआ यह बड़ा हादसा, कार में ड्राइवर समेत दो लोग थे मौजूद। हरिद्वार में शातिरों पर पुलिस का शिकंजा, दो अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दुनिया भर में फिर तेजी से बढ़ रहा है कोरोना वायरस का खतरा, 132 देशों में फैला डेल्टा वेरिएंट। फाइजर ने बताया कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ सुरक्षा को तेजी से बढ़ाती है वैक्सीन की तीसरी डोज। अमेरिका में चीन के नए राजदूत नियुक्त हुए किंग गोंग, दोनों देशों में तनावपूर्ण संबंध के बीच संभाली है कमान। समय के साथ थोड़ा कम हो जाता है फाइजर वैक्सीन का प्रभाव, लेकिन वायरस के खिलाफ देती है मजबूत सुरक्षा। मैक्रों की जासूसी पर फ्रांस ने की इजराइल से बात, कहा जासूसी करने वाला सॉफ्टवेयर गलत हाथों में ना जाए। कराची में 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद की गई हत्या, बच्चों को सुरक्षा देने में नाकाम है पाक सरकार। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए पाक की बड़ी साजिश, कहां होगा जैस और लश्कर का नया ठिकाना, इसको लेकर चिंतित हुआ भारत। अफगानिस्तान में अमेरिका की भूमिका को लेकर जमकर बरसे इमरान खान, तालिबान की मदद पर कही बात। राष्ट्रपति अशरफ गनी बोले तालिबान से बातचीत करने को तैयार, लड़ाई से नहीं निकलेगा कोई हल। तालिबान के लड़ाकों ने टोल प्लाजा जैसी बनाई चौकी, आने जाने वाले लोगों से ले रही है टैक्स। अमेरिका में फिर कोरोना का कहर, वैक्सीनेट हुए लोगों को फिर लगाना होगा मास्क। चीन के विदेश मंत्री से मिले तालिबान के नेता, ड्रैगन को बताया भरोसेमंद दोस्त। न्यूयॉर्क सिटी का ऑफर, कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लेने पर मिलेगा $100 कैश। पनामा पेपर्स मामले में पाक पीएम इमरान खान ने 4 साल बाद बताया शहबाज शरीफ की ओर 1,000 करोड़ रुपए की रिश्वत देने वाले कॉमन फ्रेंड का नाम। नासा ने अंतरिक्ष से ली टोक्यो ओलंपिक में लाइटिंग की तस्वीर, शानदार तस्वीर सोशल मीडिया पर हो रही है वायरल। तालिबान पर इमरान मेहरबान, कहा तालिबानी लोग आतंकी नहीं आम नागरिक हैं। म्यांमार के सैन्य शासक ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मांगा सहयोग, कहा कोविड-19 संक्रमण को नियंत्रित करने में करे मदद। चीन में यारलुंग सैंगपो नदी पर पनबिजली परियोजना बनाने को लेकर चीनी परियोजनाओं का भारत बांग्लादेश पर पड़ेगा बुरा असर।
केन्या को ब्रिटेन की ओर से मिलेगी कोरोना वैक्सीन की बड़ी खेप होगी 817,000 खुराकें। अफगान सेना को मिली बड़ी सफलता, गृह युद्ध में हाई प्रोफाइल तालिबान वार्ताकार के बेटे अब्दुल हक उमानी को मारा। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और अल्फाबेट को रिकॉर्ड तोड़ मुनाफा, कंपनी के लिए तिमाही राजस्व और मुनाफे में वृद्धि की वजह बढ़ी कंपनियों की आय। मनरेगा में 7.25 करोड़ को मिला रोजगार, 4 महीने में ही 5.25 लाख लोगों ने पूरा किया काम। आर्थिक विकास के लिए सोशल स्टॉक एक्सचेंज बनाएगा सेबी, स्पॉट मार्केट के जरिए सोने के आयात पर विचार। व्यापारियों व संगठनों ने की ई कॉमर्स कंपनियों की शिकायत, एफडीआई नियमों के उल्लंघन का लगाया आरोप। भारत की खनन कंपनी वेदांत लिमिटेड ने दक्षिण अफ्रीका में एक नई लौह अयस्क खान की शुरुआत, लौह अयस्क परियोजना विकसित करने की दिशा में उठाया गया है कदम। पृथ्वी शॉ और हार्दिक पांड्या सहित भारत के 9 क्रिकेटर आइसोलेशन में, जरूरत पड़ने पर नेट बॉलर्स का हो सकता है इस्तेमाल। बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची, वर्ल्ड नंबर 12 डेनमार्क की मेलिया विचलेसफेल्ड को हराया। भारतीय हॉकी की पुरुष टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची, 3-1 से अर्जेंटीना को हराया, भारत ने अंतिम 4 में बनाई जगह। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के 11 विद्यार्थी टोक्यो ओलंपिक में ले रहे हैं भाग, पदक जीतने पर विद्यार्थियों को नगद पुरस्कार से पुरस्कृत करेगा एलपीयू। देवदत्त पटिक्कल को मिला टीम इंडिया के लिए डेब्यू का मौका, आईपीएल में जड़ चुके हैं शतक। श्वेता तिवारी को सेक्शन कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत, पति अभिनव कोहली ने लगाए थे बेटे रियांस के पासपोर्ट में फर्जी हस्ताक्षर के आरोप। अक्षय कुमार ने कश्मीर के गांव में जर्जर स्कूल के पुनर्निर्माण के लिए दान किए थे 1 करोड़, एक्टर के पिता के नाम पर रखी गई आधारशिला। सलमान खान स्टारर भाईजान 2022 में दिवाली पर होगी रिलीज, फरहाद सामजी के निर्देशन में बन रही है फिल्म। कैप्टन इंडिया के लिए हवाई जहाज उड़ाना सीखेंगे कार्तिक आर्यन, कार्तिक जल्द ही इस फिल्म की शूटिंग करेंगे शुरू, फिल्म का फर्स्ट लुक हुआ रिलीज। के आखिरी तक शुरू होगी पुलकित सम्राट अली फजल स्टारर फुकरे 3 की शूटिंग, कोविड के चलते फिल्म की शूटिंग को किया गया पोस्टपोन। फिलहाल इतना ही, देश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।